हाय एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। और मैं हूँ नीतू। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी की चटनी। ये मैं आज आपसे सूखी चटनी शेयर कर रही हूँ, ड्राई चटनी। अगर आपको गीली वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। तो देखते हैं अलसी की चटनी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैंने लिया है 1/4 कप अलसी फ्लैक्सीड, 4-5 कलियां लहसुन की, 1/4 टीस्पून क्यूमिन सीड्स जीरा, 1/4 टीस्पून पिंक हिमालयन सॉल्ट लिया है। आप कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, काला नमक भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून लिया है देगी मिर्च और 1/2 टीस्पून लिया है आमचूर। आमचूर ऑप्शनल है, मैं यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्लैक्स सीड्स चटनी बनाना। एक पैन को हम गरम करेंगे और फ्लैक्स सीड्स को हमें ड्राई रोस्ट करना है। कुछ ही देर में ये स्प्लटर होना शुरू हो जाएंगी। आई होप आप साउंड सुन सकते हैं कैसे ये स्प्लटर हो रही हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। फ्लैक्स सीड्स को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और इसको ठंडा होने दूंगी। अलसी ठंडी हो चुकी है, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है और इसमें डाल रही हूं नमक और अभी इसको ऐसे ही मैं ग्राइंड करूंगी। ये देखिए, ये इतना ग्राइंड हो गया है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, जीरा, लहसुन, आमचूर, देगी मिर्च और इसको अब अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फ्लैक्स सीड की चटनी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। इस चटनी को आप अपने मील्स में जरूर इंक्लूड कीजिए, बहुत ही हेल्दी चटनी है। आपको आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।